वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करते हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपको बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है, इस तरह की खांसी है जिसमें बहुत ज़्यादा बलगम आती है, जितना बलगम भी आप हैकआउट करते हैं उतना ही ज़्यादा बन जाता है। ऐसी मेडिसिन है जो आपके एजमा पे काम करती है, स्पेशली आपके वेट एजमा पे काम करती है। ऐसा एजमा जिसमें आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा विजलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा कॉफ आती है और जितनी निकालते हैं उतनी ज्यादा बलगम बनती जाती है। ऐसी मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं जो आपके जॉइंट्स पे बहुत अच्छा असर करती है, ऐसी मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं जो आपके फेस के स्कार्स पे बहुत अच्छा काम करती है, ऐसी मेडिसिन का जिक्र कर रहे हैं जो सर्दियों में नजला जुकाम के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। जादुई जो मेडिसिन है वो यूकलिप्टस है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूकलिप्टस एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको प्लांट से बनाया जाता है। इसका प्लांट भी नहीं है, इसके ट्रीज हैं। इसको कॉमन नेम गम ट्री भी है और इसके बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं और इसके लीव से इसको तैयार किया जाता है। पहले इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो आयुर्वेदिक में किया जाता था। टॉन्सल्स में इसके पत्तों का कहवा बना के पिया जाता था। तो जिस तरह के भी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो, गला खराब हो, इन्फेक्शन बढ़ रही हो, तो टॉन्सल्स और गले की पेन और इन्फ्लामेशन को रिलीव कर देता था। उसके बाद इसके ऑयल को आयुर्वेदिक में बहुत यूज किया गया। बहुत सालों से इसके ऑयल को यूज किया जा रहा है। इसके ऑयल के दो बिग यूज थे बहुत ज्यादा, वो ज्वाइंट्स इन्फ्लामेशन, आपके ज्वाइंट्स के ऊपर इन्फ्लामेशन है, सर्दियों में बढ़ जाती है, ज्वाइंट्स मूवमेंट करने पर पेन करते हैं, तो इसके ऑयल की मसाज की जाती थी जिससे कुछ अरसे में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैजिकल इफेक्ट है वो आपके स्किन स्कार्स के ऊपर है। स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्नीज तो बनती है लेकिन खत्म हो जाती है, लेकिन साल हर साल उनके जो निशान है वो रह जाते हैं। तो स्किन एक्नी के जो स्कार्स हैं उसको रिमूव करने के लिए इसका ऑयल यूज किया जाता था। लेकिन कभी भी इसके ऑयल को डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई मत करें, इसको थोड़ा डिलीट करें इसकी करके, इसके पॉइजनस असरात को ख़त्म करके इसके बेशुमार जादुई अफेक्ट्स लेके आया जिसने हमारी डेली लाइफ की प्रैक्टिस में बहुत मदद की। मेरी डेली लाइफ की प्रैक्टिस में कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया जब यूकलिप्टस के पेशेंट्स ना हों। स्पेशली जो इसका अफेक्ट है वो क्रॉनिक रेनाइटिस पे है, पुराने से पुराना नज़ला जुकाम, इस तरह का नज़ला जुकाम जो आपकी जान नहीं छोड़ता, हर थोड़े अरसे के बाद दोबारा हो जाता है। और जिस वक्त वो एक फेज, वो एक पीरियड होता है, वो पेशेंट के लिए इतना तकलीफ दे होता है कि पेशेंट अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकता। उसको जुकाम, आंखों से पानी, नाक से इतना ज्यादा पानी, बाज़ दफ़ा बिल्कुल वाटरी कंडीशन का, और बाज़ दफ़ा थोड़ा हेडेक में ये बहुत अच्छा काम करता है कि आपको इस तरह का हेडेक है कि आपको सब कंजेशन फील हो रही, पूरा सर आपको लग रहा है कि बलगम और रेशे से मेरा पूरा सर जो है वो जकड़ा हुआ है, उसके साइनेसिस है, जितने भी ये साइनेसिस है इसमें जकड़न है, कंजेशन है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सर में अच्छा रिलीफ देती है। इसको किस मेथड से आपने यूज करना है, आपको कौन सा मेथड बहुत ज्यादा रिलीफ देगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है और उस मेथड पूरा सुनना है कि इसको सही इसका इस्तेमाल कैसे है। नेक्स्ट इसका अफेक्ट जो है वो नोज के ऊपर है। मैं पहले ही आपको बता चुकी कि नोज नजला जुकाम, हर तरह के जुकाम के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। जब सर्दी की वजह से आपका नाक बंद होने लगे, आपको लगे कि मेरा सांस रुक रहा है, ऐसे नजला जुकाम में आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट अफेक्ट है टॉन्सिलाइटिस पे। टॉन्सल्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उनमें सूजन बहुत ज्यादा आ गई है और अंदर से बहुत ज्यादा पेल हो गए हैं, और तो आप इसके मदर टेंचर को टॉन्सल्स के ऊपर लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक डोज रात को सोते वक्त आपने एक डोज टॉन्सल्स पे लगा लीजिए, उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, सुबह तक आपके जो इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस है कि आपसे बात नहीं की जा रही, आपका गला बहुत खराब है, तो वो सुबह तक रिलीव हो जाए। यूकलिप्टस को जाना जाता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए। इसका जो अफेक्ट है ये ब्रोंकाइटिस में है, निमोनिया में है, एजमा में है, स्पेशली वेट एजमा में है। बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हुई बलगम को निकाल देने में। आप अगर इसको कहें कि बलगम का सकर मशीन है इसके अंदर कोई, तो ये गलत नहीं होगा। होता क्या है कि जिस वक्त आप कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं
कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बलगम को या तो जमा देती हैं, थोड़े दिनों के बाद उसको बहुत ही बुरी सी कंडीशन से आपके सामने आती हैं। लेकिन यूकलिप्टस के पेशेंट्स को मैंने देखा है कि जिनको बलगम खारिज करने के लिए मैंने मेडिसिन दी तो उनका म्यूकस है वो मुंह से खारिज होने की बजाय उनके स्टूल से निकल गया, म्यूकस स्टूल से डिस्चार्ज होकर उनकी बॉडी के अंदर से जरा जरा म्यूकस का खत्म कर देते। इस रेस्पिरेशन में पेशेंट को लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंजेशन होती है, बहुत ही बलगम भरा हुआ होता है, पेशेंट को ऐसे फील होता है कि उसके दोनों लंग्स जो हैं वो बलगम से पूरी तरह भर गए, जिससे पेशेंट की हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, पेशेंट को सांस कम आने लगता है। पेशेंट बाज दफा बहुत ज्यादा ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है जो बहुत देर से इनहेलर का यूज कर रहे हैं, उनकी सांस में बहुत ज्यादा विजलिंग है और उनकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, और हार्ट बीट ज्यादा होने के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, म्यूकस निकलेगी, सांस में जो तंगी है वो खत्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता बलगम का इखराज होके सीना जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अफेक्ट जो है वो इसके स्टमक के ऊपर, स्टमक के ऊपर, स्टमक में भी बहुत अच्छी सिम्टम्स को ये कवर करता है कि आपके अगर अपर स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक फील्स हैं, खाना खाने के बाद बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है, डकार मुंह में पानी और हवा खारिज नहीं हो रही होती और इनडाइजेशन का मसला होता है, तो बहुत अच्छा फिल्ट्री में बहुत अच्छा काम करती है कि आपको ब्रोंकाइटिस है या आपको चेस्ट रिलेटेड कोई भी मसला है और उसके साथ आपको कुछ भी खाना खाने के बाद फौरन से डायरिया हो गया या डाइसेंट्री हो गई। डायरिया में आपको जो स्टूल आता है वो वॉटरी आता है और डाइसेंट्री में जो आपको स्टूल आता है वो पस के साथ आता है और बाज दफा आपके स्टूल में ब्लड भी आने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यूकलिप्टस जो है आपके स्टमक डिसऑर्डर को ठीक करके आपकी डायरिया और डायसेंट्री की जो सिम्टम्स हैं उनको बिल्कुल खत्म कर। अक्यूट नेफ्राइटिस में है, हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स लगे होते हैं जो कि हमारी किडनी में टॉक्सिन्स को स्टेन करते हैं, तो जब उन नेफ्रॉन्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उस इन्फ्लामेशन को यूकलिप्टस खत्म करती है। इस पे है अगर आपकी यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर कोई पिंपल बन गया है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है जिसकी वजह से उसकी ओपनिंग क्लोज हो रही है, आपको यूरिन डिस्चार्ज करने में मसला हो रहा है, यूरिन आपका रुक रुक के आ रहा है या बिल्कुल ब्लॉक हो गया है और यूरिन के अंदर पस रेशो बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसी कंडीशन में किडनीज को और यूरेथ्रा को बिल्कुल क्लियर करता है यूकलिप्टस। यूकलिप्टस का नेक्स्ट अफेक्ट फीमेल डिजीज में है, फीमेल में अगर इस तरह का विजाइनल डिस्चार्ज है कि इचिंग है और वो उसका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है और जहां पे लग रहा है उस जगह को उखेड़ रहा है, बहुत ज्यादा रैश पैदा कर रहा है, इस तरह के डिस्चार्ज में बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। और जितने भी डिस्चार्ज हैं स्पेशली अगर बलगम निकल रहा है तो उसमें उसके अंदर भी स्मेल है, गले के अंदर से पेशेंट को खुद से फील होता है कि एक स्मेली डिस्चार्ज है, अगर उसको कंजेशन है बहुत ज्यादा, उसको एस्थमेटिक अटैक है तो भी उसको स्मेली डिस्चार्ज होगा बलगम का, वो व्हाइट कलर का थिक होता है क्योंकि ये एक एंटीबैक्टीरियल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पे है, COPD पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो आपको बहुत हेल्प करती है ट्यूबरक्लोसिस में, ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जब बहुत ज्यादा कंजेशन हो, बलगम बहुत ज्यादा खारिज हो, जितना खारिज हो उतना ही बन जाए, तो यूकलिप्टस जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। मैंने कोशिश की कि मैं यूकलिप्टस की तमाम सिम्टम्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, इसकी डोजेज। इसकी डोजेज में अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है तो टॉन्सिलाइटिस में इसको आपने गर्म पानी के अंदर 8 to 10 ड्रॉप्स, मदर टेंचर को बहुत ज्यादा ड्रॉप्स यूज नहीं करने चाहिए, तो आप इसको मदर टेंचर में लेंगे और 10 ड्रॉप्स इसके एक कप गर्म पानी में लेंगे, चाय के जितना गर्म पानी, उसको सिप सिप करके लीजिए रात को सोते वक्त, और उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, इवन के वाटर भी नहीं, आपने उस वक्त ले लिया जिस वक्त आप जस्ट सोने लगे हैं, और सुबह उठते ही इसका एक कप लीजिए, तो ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है ऑफ योर थ्रॉट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद चेस्ट कंजेशन में भी ये इसी तरह ही काम करेगी कि आपने सुबह दोपहर शाम इसको लेना है और गर्म पानी के अंदर लेना, सर्दियों में तो स्पेशली चाय के जितना गर्म, और गर्मियों के अंदर आप इसको नीम गर्म पानी में छोटे छोटे सिप के साथ लीजिए और सारा दिन। और अगर आपको इस तरह की कंडीशन है कि आपका नेजल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको 5 ड्रॉप जो है वो हर 2 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी।
तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी डोजेज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।